禁忌绝招吗？没的。हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और गाइज आज की वीडियो ना थोड़ी लंबी होगी, लेकिन बहुत बंदे पूछ रहे थे तो मैंने कहा भाई इस पे वीडियो बना देते, शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो मैंने थोड़ा टाइम वाइम लगा के जादुई गोले पे गाइज मैंने वीडियो बना दी है। और ये जादुई गोला हमें बहुत कुछ देता है गेम के अंदर, मतलब नए नए कपड़े देता है, एनहेंसर्स आइटम्स बहुत कुछ देता है गाइज, लास्ट में बताऊंगा। लेकिन जो भी नया बंदा है ना गाइज, पहले भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है गाइज, यहीं पर रुको। और ना ये भाई हर मैच के बाद आपको ये गोला ना मतलब थोड़ी एनर्जी देता है, आपको शक्ति देता है हर मैच के बाद। गाइस कैसे मैंने बहुत सारे गोले इकट्ठे कर लिए, मतलब स्पिन कहते हैं एनर्जी स्पिन, बहुत सारे स्पिन है मेरे पे। तो गाइस चलिए ना पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्या क्या सीन है इसमें। इसमें एक देखिए बूस्ट कार्ड यूज़ होता है, इसमें एक बूस्ट टैंक यूज़ होता है, और जब भी एनर्जी आपकी 100 हो जाती है ना तो आप स्पिन कर सकते हो एक्सचेंज पर क्लिक करके। अब यहाँ पे ना देखिए 100 में एक स्पिन होता है गाइज, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये गाइज आप पढ़ सकते हो क्योंकि इन गेम सीन है। और आई गाइज क्या होता है ना, वीकली लिमिट होती है, मेरी वीकली लिमिट क्या है 1400 है, मेरे ख्याल से सबकी इतनी है। और एक बार वीकली लिमिट ख़त्म हो गई तो आपको हर हफ्ते वेट करना पड़ता है, और आप एक दिन में बस 30 स्पिन ही कर सकते हैं मैक्सिमम, आप कितने भी स्पिन इकट्ठी कर ले। तो अब क्या होता है ना देखो, सबसे ज़्यादा पाने के लिए क्या कर सकते हो आप, एनर्जी पाने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी टैंक कार्ड होता है, ठीक है, और इसको आप बाय कर सकते हो। और जो दो और कार्ड यूज़ होते हैं ना, वो है एक एनर्जी बूस्टर टैंक, एक 4x स्पीड वाला है और एक सिंपल 2000 एनर्जी वाला है। तो गाइस दोनों का ना मैं वो दिखाता हूँ आपको, अभी प्राइस दिखाता हूँ। देखो 4x ना भाई सबसे बेस्ट कार्ड है अगर किसी को बहुत जल्दी जल्दी स्पिन इकट्ठे करने हो। ऐसा क्यों गाइस मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा वीडियो में, मैं दोनों चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा गाइस। तो भाई वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, शायद आपको अच्छे से समझ आता है। तो गाइस इसे बाय कहाँ से करते हैं, आप में शॉप में जाना होगा, आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा जिको ट्रेडिंग आई गेस। तो यहाँ पे देखिए जिको नहीं सॉरी एओस एम्पोरियम है, ठीक है। यहाँ पे आप जाना आइटम्स में जाना, ये देखिए यहाँ पे आपको कार्ड दिख रहा है, देखिए 200 जेम्स का है गाइस, ये एओस टिकट्स में नहीं आता वरना सब बंदे स्पिन लेना चालू कर देंगे। तो ये जेम्स में डाल रखा है इन्होंने, ये देखिए ये मतलब 4x वाला 200 जेम्स का, और जो सिंपल 2000 एनर्जी टैंक का है ना गाइज वो देखिए ये तो 1000 का ही दे रखा है इन्होंने, 50 जेम्स का है। इवेंट में मिला था जिसमें 2000 एओस एनर्जी टैंक कार्ड है, जो अभी आपको पीछे मैंने दिखाया, और बहुत बंदों पे वो पड़ा होगा। तो गाइज आप उसको यूज़ करो, उसको यूज़ करोगे ना गाइज तो आपके स्पिन बहुत सारे खुल जाएंगे और अच्छे अच्छे स्पिन मिलेंगे गाइज आपको, मतलब एक हफ्ते में आप इतने सारे स्पिन इकट्ठे कर सकते हो ना गाइज कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब 20 करके आप 20 के अराउंड। अभी आपको वीडियो देखते रहो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी आपको ना देखिए गाइज, अभी आपको मैंने एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप इसे आराम से पॉज करिए और इसको पढ़िए आपको समझ आएगा। देखिए इसको मैंने और आगे डिटेल में, या तो आप थोड़ा सा आगे कर दिए मैं आपको सबको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप रिलैक्स फील करो बिल्कुल गाइज, ठीक है ना। अब मैं आपको ना चलो बताता हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट नोट बताता हूँ एक तो पहले कि ना देर इज़ अ लिमिट, मतलब एक लिमिट है भाई 1400 एक बार आपने वीकली क्रॉस कर दिए एओस एनर्जी के, तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। फिर आपको एनर्जी टैंक और एनर्जी बूस्ट टैंक कार्ड यूज़ करने पड़ जाएंगे अगर आपको और एनर्जी चाहिए तो, है ना। अब मैं आपको ना इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम करता है ये। तो गाइस चलिए ना मैं ना देखिए ये एनर्जी टैंक है, ठीक है, इसमें क्या होता है ना 1000 एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, और वीकली एओस एनर्जी जब आपकी ख़त्म हो जाएगी ना स्पिन में, तो ये मैच के बाद इसमें से आपका यूज़ होना चालू हो जाएगा इस टैंक कार्ड में से, ठीक है, इस टैंक कार्ड में से यूज़ होएगा धीरे धीरे। और इसकी ना कोई एक्सपायरी डेट है और ना कोई इसका वो, अगर आप मैच नहीं खेल रहे हो 2-3 हफ्ते तक तो ये आपके वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, 1000 पॉइंट है तो 1000, और एक बार आपका 1400 ख़त्म हो गया तो इसमें से यूज़ होना चालू होता है, यानी 1400 प्लस 1000 इसमें से, तो वो दोनों मिला के आपको स्पिन मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ ना बूस्ट कार्ड की, बूस्ट टैंक कार्ड की, ये क्या करता है गाइज़ आपको, इसको आपने बेसिकली अभी ऐसे समझो कि ये भी उसी की तरह काम करता है, लेकिन ये आपको ना एक मैच में ज़्यादा देगा, 150 तक दे देता है गाइज। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ 150 एओस एनर्जी आपको कैसे मिलेगी। और कई बार क्या होता है इसमें भी वही होता है कि 1000 टैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैच के बाद मतलब इसमें से ज़्यादा निकल रही है, इसमें से 120 निकलती है, उसमें से डबल निकलती है, इसमें से ज़्यादा निकलती है, दो टाइप के होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो कंपैरिजन क्या है, सिंपल मैच में आपको 30 ही मिलेंगे, ठीक है, और अगर आप 4x बूस्ट कार्ड के साथ खेलोगे ना गाइज तो आपको 120 तो उस टैंक के अंदर से निकलेंगे, और 30 जो है आपको वीकली मिलते हैं उसमें से, यानी दोनों को आप जब प्लस करोगे तो आपको
150 एओस एनर्जी एक मैच से मिल रहे हैं, तो आप वो देखिए गाइज। और आपके डिडक्ट कैसे होंगे मैं आपको वो समझाता हूँ कि आप देखिए जो रिमेनिंग हो ना, 1400 एक मैच खेला आपने तो 1400 जो होते हैं उसमें से बस 30 ही जाएंगे, लेकिन जो आपको 1000 का बूस्ट टैंक वो होगा ना टैंक, उसमें से आपके 120 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 880 बचेंगे गाइज। आप क्या होगा ना गाइज कि ना आप ना इसमें से ना मतलब दो मैच के अंदर आपके तीन स्पिन निकल सकते हैं, मतलब देखिए 120 150 150 यानी दो मैच में आपके दो स्पिन बन गए। और देखिए क्या सीन होगा कि आपका जब तक ये टैंक का खाली होगा ना 1000 एनर्जी, आपके वीकली बस 240 ही ख़त्म होंगे, यानी आप पे 8 प्लस वो टैंक के 8 और आप पे 1100 और पड़े होंगे, 1100 प्लस कुछ, यानी आप एक हफ्ते में 20 स्पिन इकट्ठे कर सकते हो गाइज इस 4x कार्ड की मदद से, और 2x कार्ड की मदद से आप काउंट कर सकते हो अपने आप आइडर। अब देखिए कितने एनर्जी मिलते हैं आपको, स्टैंडर्ड में अगर आप जीतोगे तो 30 मिलेंगे, हारोगे तो 20 मिलेंगे, क्विक में क्या होता है जीतने पे 20 मिलते हैं और उसका रैंक में क्या होता है गाइज सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जीतने पे 40 मिलते हैं और हारने पे 30 मिलते हैं। क्विक का पता नहीं, लॉस का मेरे को आइडिया नहीं लग रहा गाइज क्या सीन है लॉस का, वो टी वी सी मेरे को समझ नहीं आया। अब ये देखिए आइटम आपको कौन कौन से मिल सकते हैं, देखिए एओस कॉइन्स जो होते हैं वो 10% चांस होते हैं और ये 320 मिलते हैं, टिकट्स जो होते हैं 200 मिलते हैं और ये 5% चांस होते हैं, और ये देखिए हॉलोवर टिकट जो सबसे ज़्यादा बंदों को चाहिए होता है उसके बस 3% चांस है, और जो फैशन टिकट्स है उसके भी 3% चांस है, मतलब आप देख लो गाइस मतलब इतने मतलब सबसे कम जो सबसे ज़्यादा चाहिए आपको उसके चांस सबसे कम है गाइस। लेकिन भाई स्पिन अगर आप पे ज़्यादा होंगे, एक हफ्ते में 20 स्पिन करोगे तो एक तो निकलेगा ना गाइस, मतलब एक भाई कपड़े तो ले लोगे, एक तो अच्छा मिलेगा आपको, मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलेगा गाइस। लेकिन आपको जेम्स खर्चने पड़ जाएंगे, 200 जेम्स का आएगा। अब आप देख लो गाइस आपको क्या करना है, अगर आपको जल्दी जल्दी स्पिन करना है तो आप जो मैंने तरीका बताया वो यूज़ करते हो, मैंने आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया गाइस तो आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से बता दूँगा, या तो मैं अभी स्ट्रीम करूँगा गाइज आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो, या तो आपका मतलब डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ तो कभी भी पूछ सकते हो जब आपने वीडियो देखी। तो चलिए गाइज चलते हैं, आज की वीडियो इतनी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो मतलब समझ आया हो तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करके ही जाओ गाइज, क्योंकि भाई बहुत टाइम लग गया मेरे को ये वीडियो बनाने में गाइज, मोटिवेशन दे दो थोड़ी सब्सक्राइब करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज़।